नमस्कार दोस्तों, बिजी नेम हूँ आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट से रिलेटेड बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा स्मार्ट तरीके से क्रिएट हो सके, बन सके और कंपाउंडिंग हो सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी में कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसी है जहाँ पे आपको बाई करना चाहिए और किस पॉइंट पे बाई करना चाहिए, किस पॉइंट पे एग्जिट करना है, सब कुछ हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। देखिए क्रिप्टो करेंसी में कहीं हम बिटकॉइन की बात ना करें तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो बादशाह है वो है बिटकॉइन। ठीक है, चलिए देखते हैं बिटकॉइन में क्या सीन बन रहा है। देखिए बिटकॉइन में हम बात करें यहाँ 15 मिनट की ट्रेडिंग के लिए करते हैं, तो यहाँ पर ट्रेडिंग पे आप देखेंगे यहाँ पे बियरिश कैंडलस्टिक बन चुका है। लगातार 3 बियरिश कैंडलस्टिक बना है, 15 मिनट का कैंडलस्टिक मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात करें यहाँ पे 1 आवर्स की बात करें, मतलब 5 से 6 घंटे ट्रेडिंग की बात करें, तो यहाँ पे भी बियरिश कैंडल बन चुका है। एंट्री पॉइंट मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग कैंडलस्टिक का कहीं आप देखने आपको आता है, कहीं समझ में आता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तीन लगातार कैंडलस्टिक बन चुका है, वो भी बियरिश कैंडलस्टिक, मतलब आने वाला टाइम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। फिर वहीं बात करें 1 डेज में, देखते हैं 1 डेज में क्या इसका चार्ट खराब हुआ है कि बना हुआ है। देखिए 1 डेज की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे 1 डेज का भी चार्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, अभी जबरदस्त सही है, जबरदस्त दे सकता है, मतलब परफॉर्म कर सकता है। बट यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ थोड़ा बड़ा सुख बुगाहट शुरू हो गई, यहाँ पे जितने भी करेंसियाँ यहाँ पे सेल आउट किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सुख बुगाहट शुरू हुई है सेल आउट करने का, तो इसमें थोड़ा वॉच करिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी देखे 15 मिनट का 1 आवर्स और 4 आवर्स में देखा तो यहाँ पे क्या बियरिश था, बियरिश कैंडलस्टिक बना हुआ था। बट अब वही 1 डे की कैंडलस्टिक की बात करें तो यहाँ 1 डे में अभी भी चार्ट सही है, बरोबर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट कहीं आप इसमें ट्रेडिंग के पर्पज से कर रहे हैं तो आप इसमें अपने चार्ट को देखना आपको जरूर आना चाहिए, एटलीस्ट बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल देखना आपको आना चाहिए। देखेंगे यहाँ पे ये जो है आपका, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे आपका बुलिश कैंडलस्टिक बना, क्लोजिंग ओपनिंग बरोबर है, जबरदस्त है, तो यहाँ पे अभी भी आपका बुलिश कैंडलस्टिक बना हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं। लगातार जो 3 कैंडलस्टिक्स होते हैं, एक ग्रीन वाले बुलिश कैंडलस्टिक होते हैं और रेड वाले जो होते हैं बियरिश कैंडलस्टिक होते हैं, 3 लगातार बनते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग के साथ, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे चार्ट गड़बड़ हो रहा है। ये बात रही बिटकॉइन की, बात रही है फिर बात करते हैं LTC की, मतलब लाइट कॉइन की हम बात कर लेते हैं। देखेंगे लाइट कॉइन की बात करें, 1 डे कैंडलस्टिक की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ट गड़बड़ नहीं है, चार्ट जबरदस्त है, यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक बना पड़ा हुआ है, लगातार बुलिश कैंडलस्टिक बना हुआ है, बीच में बियरिश एक बियरिश कैंडलस्टिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वही हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल यहाँ पे है 195 का सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, अभी इसमें बहुत अच्छा स्पेस बाकी है। बट वही बात करें आज के सेशन की बात तो इसमें भी दबाव देखने को मिल रहा है। फिर कोई बात कर ले हम 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट में आप देखेंगे, 15 मिनट कैंडलस्टिक में देखेंगे तो यहाँ पे कैंडलस्टिक जो है बियरिश कैंडलस्टिक बन चुका है, तो इसमें आने वाले टाइम में गिरावट देखने को मिल सकता है। फिर वही हम बात करें यहाँ पे 1 आवर्स कैंडलस्टिक की बात करें तो 1 आवर्स कैंडलस्टिक में बियरिश कैंडल बन चुका है, तो यहाँ पे देखिए आप ये पूरा देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का आप पूरा देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपको भी निगाहें रखना था, मतलब देख रहे हैं बिटकॉइन LTC कॉइन में भी दबाव है, तो क्या गिरावट हो सकता है, थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। फिर बात करते हैं डोजी कॉइन की, देखिए डोजी कॉइन में बात करें तो डोजी कॉइन में भी आप 1 डे कैंडलस्टिक देखें तो 1 डे के कैंडलस्टिक में कोई दिक्कत नहीं है, कैंडलस्टिक अच्छा बना पड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें इसमें 15 मिनट कैंडलस्टिक ट्रेडिंग के पर्पज से देखें तो यहाँ पे बियरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है, बियरिश कैंडलस्टिक मतलब इसमें गिरावट और देखने को मिल सकता है आने वाले टाइमों में। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 आवर कैंडलस्टिक की बात करें तो 1 आवर कैंडलस्टिक में अभी चार्ट गड़बड़ नहीं हुआ है, मतलब सही है, डोजी कॉइन में और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सोल की, सोल में आप देखेंगे तो सोल की बात करें तो यहाँ पे सोल में आप देखें 1 डे कैंडलस्टिक की बात करें, 1 डे कैंडलस्टिक में बियरिश है, तो यहाँ पे आप माल करके निकलिए, माल बेचिए और निकलिए, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न गड़बड़ हो चुका है सोल में, तो यहाँ पे सोल में मैं तो बोलूंगा कि आप यहाँ पे सोल पे माल बेच सकते हैं। ठीक है, फिर जब नीचे आएगा तो फिर माल उठा लीजिए,
अच्छा खासा गेन होगा कहीं आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो। देखिए ये चार क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो अभी जो ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करें तो ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी में दबाव है, ठीक है। तो हैं तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे हम माल बेच के निकल सकते हैं, कहीं आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रखे हैं तो आप इसे होल्ड करके रख सकते हो। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा किस तरह हम कैंडल स्टिक चेकआउट करते हैं। देखिए इस सिंपल शेयर की तरह, शेयर मार्केट की तरह है, जिस तरह हम शेयर मार्केट में एनालिसिस करते हैं इस तरह हम क्रिप्टो करेंसी में भी एनालिसिस करते हैं चार्ट पर। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी जरूर सब्सक्राइब कर दी बिजनेस इंडिया.com को लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।